गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम केटीजी पे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। केटीजी में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस के अजम्पशंस क्या होते हैं, और सॉरी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक लॉ, उनकी इक्वेशंस हम तुम्हें बता चुके हैं और उनके प्लॉट, रेस्पेक्टिव प्लॉट भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो आज कुछ क्वेश्चन हम उस पर लगाएंगे, केटीजी पार्ट वन और केटीजी पार्ट टू पर। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या करने जा रहे हैं हम? न्यूमेरिकल्स ऑन KTG पार्ट वन एंड टू, क्लियर? उस पर आज हम काफी न्यूमेरिकल लगाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब वैसल देखो, कंप्लीट क्वेश्चन में यहां नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया जाएगा वो डेटा में डायरेक्ट यहां लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट होगा। क्लियर? ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन का डेटा यहां लिखेंगे। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 8 × 10⁻³ मुझे दिया गया है। वी कितना है? 8 × 10³ एक वेसल का ये वॉल्यूम दिया गया है। कंटेन्स एन आइडियल गैस, इसमें एक आइडियल गैस है। एट 300 केल्विन टेम्परेचर मुझे दिया गया है, 300 केल्विन एंड 200 किलो पास्कल प्रेशर दिया गया है, 200 किलो पास्कल। मुझे बताना है द गैस इज अलाउड टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स टू 125 किलो पास्कल। कंटेनर लीक कर दिया जाता है जिसमें इनिशियली इतना वॉल्यूम पर, ये मैंने लिड को क्लोज किया, यहां गैस है, इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है, इनिशियल प्रेशर हमें दिया गया है। क्लियर? अब इसमें लीकेज कर दी जाती है जिससे कि कुछ गैस बाहर निकलने लगती है। अब यहां से कुछ गैस बाहर फ्लो करने लगेगी जिसकी वजह से फाइनली इसके अंदर गैस की स्टेट चेंज आएगी, का मतलब इसके स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब हमें मानना है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गैस इन मोल्स लीक्ड एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हमें जो निकली हुई गैस है, जो बाहर निकल चुकी है, उसके कितने मोल हैं, कितने मोल गैस के बाहर निकल चुके हैं, ये मुझे बताना है। यदि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंट माने, यानी इस इनिशियल स्टेट में और इस फाइनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट की अगर बात किया जाए टेम्परेचर 300 केल्विन था और फाइनल स्टेट में भी टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये हमें मानना है। यहां से अगर गैस निकलेगी वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लियर? इसका जो वॉल्यूम इनिशियल है वही इसका वॉल्यूम फाइनल भी रहेगा, क्योंकि बर्तन की शेप चेंज नहीं किया मैंने, बर्तन की शेप चेंज वही है। तो हम लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बस क्या क्या है, गैस बाहर निकली। तो कुल मिला के चेंज किसमें आया, यहां से यहां तक जाने में, पी में और एन में चेंज आया। वी नो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर? पी कितना है इनिशियली, वी कितना है इनिशियली, ये सब मुझे दिया गया है। तो मैं इसमें ये देखता हूं कि कांस्टेंट कौन कौन है, यहां से यहां तक जाते हुए टी आर और वी कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा पी वन बाय एन वन बराबर पी टू बाय एन टू। ये लिख सकता हूं मैं कि यहां नंबर ऑफ प्रेजेंट मोल और यहां नंबर ऑफ प्रेजेंट मोल, उन दोनों का रिलेशन
इस प्रकार से लिखा जा सकता है यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया जाए, जो कि इस चेंज में कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है इस चेंज के दौरान। तो यहां पी इनिशियल कितना है, 200 किलो पास्कल। क्लियर। पी फाइनल हमें दिया गया है, पी फाइनल हमें दिया गया है कितना दिया गया है, 125 किलो पास्कल, ये हमें दिया गया है। तो हम पुट कर देते हैं यहां, एन वन पता नहीं है मेरे को कितने हैं, एन वन रख देता हूं, पी टू 125 किलो पास्कल, किलो पास्कल, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कन्वर्जन का जो कांस्टेंट होगा कट जाएगा, यहां आएगा एन टू। तो यहां से मुझे पता चल चुका है कि एन टू कितना आया, एन टू इधर जाएगा ये ऊपर, तो आएगा 125 बाय 200 इंटू एन वन, ये एन वन आया। तो अगर मुझे ये निकालना है कि चेंज इन मोल कितना आया, समझे ना कितने मोल बाहर निकल चुके हैं, तो मैं निकालूंगा एन वन माइनस एन टू, ये करना चाहिए मेरे को, पी वन बाय एन वन, पी टू बाय एन टू। क्लियर। एन टू इधर जाएगा, एन वन इधर जाएगा, 200 नीचे आएगा, सही कर रहे हैं बिल्कुल। अब इसके बाद इसको कैसे 25 अठे 225 125। क्लियर। तो ये आएगा 591 बाय 8। क्लियर। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि एन वन माइनस 5 n1 बाय 8, ये अमाउंट मेरे पास आएगा 3 n1 बाय 8। इतनी गैस के मोल बाहर निकल चुके हैं। अब n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन में ये तो लिख ही सकते हैं कि n1 जो आएगा वो आएगा P1V1 upon RT1, क्योंकि ये डेटा जो उसने हमें स्टार्टिंग में दिया था, ये डेटा तो अभी तक मैंने यूज किया ही नहीं, वो किस लिए यूज होगा कि n1 की वैल्यू कितनी है। तो n1 की वैल्यू के लिए P1V1 T1, ये जो वैल्यूज आपको दिया गया है वो आप यहाँ पुट करेंगे, n1 आ जाएगा, फिर n1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा n आ जाएगा। क्लियर। तो डेल्टा n जो आएगा वो आएगा 3/8 इंटू P1 8 V1 10 के पावर माइनस 3 इंटू 10 के पावर 3 पास्कल 10 के पावर 5, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हर चीज को। उसके बाद R होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, और T1 ये होता है 300। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई कहानी, एग्जाम्पल नेक्स्ट सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल लूंगा, जिससे आपको चीजें स्टार्टिंग से क्लियर होने लगे, समझे। ये मैं धीरे 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 लेवल बढ़ाऊंगा, अभी स्टार्टिंग में मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन में सोल्व करा रहा हूं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वेसल ऑफ वॉल्यूम वी दिया गया है मेरे को 2000 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1 मोल, एंड 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो चीजें, ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा मोल कितना है ऑफ 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 300 केल्विन, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज टी दिया हुआ है 300 केल्विन, फाइंड इट्स प्रेशर। हमें पी पे कमेंट करना है कि पी क्या होगा। अब ध्यान से सोचो हमें क्या क्या दिया गया है और इसमें कौन सी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। देखो इसको किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है, एक वेसल में दो गैस है, एक ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाई
ऑक्साइड, ये दिया गया। तो यहां इसको मैं दो तरीके से सोच सकता हूं। एक तरीका क्या है कि यदि मैं इस चैम्बर के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो वो किस प्रकार से लिख सकता हूं कि इसके अंदर पी नेट, इसका वॉल्यूम, इसके अंदर नेट मोल, कितने मोल हैं इसके, आर टी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। आप ये अलग अलग गैस के लिए भी लिख सकते हैं, समझे ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले मैं ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन लिखता हूं, तो यहां लिखूंगा पी ऑफ ऑक्सीजन, वी ऑफ ऑक्सीजन, एन ऑफ ऑक्सीजन, आर तो सबके लिए सेम होता है, और टेम्परेचर यहां दिया गया है दोनों 300 केल्विन पर है टेम्परेचर से, समझ में आई कहानी। अब अगर आप अलग अलग सोचोगे तो इक्वेशन अलग अलग लिखोगे, ऑक्सीजन के लिए एक, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक, समझे ना, ऑक्सीजन के लिए अलग, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक, वहां से अलग अलग प्रेशर आएगा दोनों का, किस किस का, ऑक्सीजन का अलग आएगा, किस पर, हर दीवारों पर, बर्तन की दीवारों पर प्रेशर ऑक्सीजन का अलग आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग आएगा। तो प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैं एज इट इज ऐड कर सकता हूं, समझ में आई कहानी। अगर मैं एक दीवार पर नेट प्रेशर निकालना चाहता हूं तो दोनों का ऐड कर देंगे, वही डाल्टन प्रेशर लॉ भी है, डाल्टन लॉ जो होता है पार्शियल प्रेशर, वही तो है ये। तो हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन यूज करके PO2 प्लस CO2 PCO2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं यहां कर रहा हूं कि आप P नेट लिखो, V बराबर N नेट RT, क्लियर। यहां से P नेट किस प्रकार से लिखोगे आप, N नेट R T बाय V, वॉल्यूम, देखो ये पहले वाली अगर अलग अलग इक्वेशन लिखोगे उनको ऐड करोगे ये वही रिजल्ट आएगा, ये N O2 प्लस N CO2 R T अपॉन V, देखो ये वही तो लिखा हुआ है R T N O अपॉन V, यानी P1 प्लस P O2 प्लस P CO2, वही तो लिखा हुआ है, क्लियर। तो P नेट जो आया यहां से N O2 कितना है, 0.2, 0.1, दोनों को ऐड कर देंगे, दूसरा क्या है 0.2 नेट मोल इनटू R, R 8.314 होता है, टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, वॉल्यूम क्या होता है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा और मीटर क्यूब हो जाएगा, सब चीज मैंने ऐसा ही यूनिट में रखा हुआ है, क्लियर। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एग्जांपल नंबर 3। देखो इसमें क्या बोला गया है, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से मिक्सचर की बात कर रहा है, दो गैस है मेरे पास एक वेसल में जिसको बंद कर दिया गया है ऊपर से एक लिड से, और इसका वॉल्यूम हमें बताया गया है कि इसका वॉल्यूम कितना है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। इसका टेम्परेचर जो है वो हमें दिया गया है 300 केल्विन, और इसका जो प्रेशर हमें दिया गया है वो दिया गया है 100 किलो पास्कल, समझे। इसमें यहां गैस है और ये गैस मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस। मुझे बताना है कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द मिक्सचर, आपको बताना है W ऑफ हाइड्रोजन एंड W ऑफ ऑक्सीजन, इस मिक्सचर में मास क्या क्या है ये हमें कमेंट करना है। देखो पहले मैं ये जो स्टेट वेरिएबल है गैस के इस पोर्शन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं। मिक्सचर के लिए भी मैं डायरेक्ट आइडियल गैस यूज कर सकता हूं जैसे मैंने पीछे यूज किया, इस मिक्सचर के लिए मैं बोलूंगा पी नेट, मतलब इस मिक्सचर का नेट प्रेशर, इसका वॉल्यूम मिक्सचर का, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल आर टी, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस मिक्सचर के लिए
फॉर मिक्सचर, मैंने ये इक्वेशन लिखी। अब पी नेट, इसमें पी कितना है, 100 × 10³ × 10⁵ किलो पास्कल को कन्वर्ट किया मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 2000 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। पी इंटू वी आ चुका है अपॉन आर टी, आर कितना है 8.314 इंटू टी कितना है, हमने इस मिक्सचर में टोटल मोल कैलकुलेट कर लिए। और अब इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो टोटल नंबर ऑफ मोल थे वो इस एन टोटल मोल के बराबर होंगे। मुझे मिक्सचर का टोटल वेट दिया गया है, इस वेट का रिलेशन में एन टोटल के साथ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मिक्सचर में यदि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कर दिया जाए तो ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये मिक्सचर का मास हो जाएगी। ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या है, मास ऑफ, समझे ना, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये अमाउंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये मास ऑफ हाइड्रोजन, और टोटल मास 0.76 किलोग्राम या ग्राम, चेक कर लेते हैं ग्राम है या किलोग्राम है, ये मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, ये ग्राम में दिया गया है, 0.76 ग्राम मेरे को दिया गया है, मैं ग्राम लिख देते हैं। अब ये दो क्वांटिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि NH2 कितना है और NO2 कितना है तो ये वैल्यूज मुझे पता चल जाएंगे। मुझे यहाँ NH2 प्लस NNO2 की वैल्यू पता है, यानी मेरे पास अब दो अननोन है, NH2 NO2, यहाँ इस इक्वेशन में भी दो अननोन है क्योंकि मैं तो जानता हूँ ये क्या होता है NH2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, कितना होता है 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम, क्लियर, NO2 into 32 बराबर 0.76। तो एक इक्वेशन ये हुआ मेरे पास और एक इक्वेशन ये हुआ, ये ग्राम में पुट किया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे। यहां से NT जो आएगा वो एक मोल नंबर आएगा तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या पता चल जाएगा, NH2 NO2 बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NH2 एंड NO2 एंड आफ्टर गेटिंग दीज टू वैल्यूज यू मे काउंट WH2 एंड WO2, क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक आपको चीजें आसान नजर आ रही होंगी, यही लेवल होता है नीट का, यही लेवल होता है मेंस का, इसी टाइप के क्वेश्चन लेवल नीट और मेंस में आते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे करके हम चीजें चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है टू क्लोज्ड वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम, क्लोज्ड वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम, टू क्लोज्ड वेसल ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एयर एट 105 किलो पास्कल। पहले मैं फिगर बना देता हूं, इसके अंदर एयर एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, एयर एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लिख देते हैं वी वी, प्रेशर जो है इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि इधर प्रेशर अलग है इधर प्रेशर अलग है क्योंकि ओपन है, क्लियर,
Two closed vessel of equal volume contain air at 105 kilopascal, 300 Kelvin and are connected through a narrow tube. If one of the vessel is now maintained at 300 Kelvin and the other at 400 Kelvin, what will be the pressure in the vessel? Clear. Starting mein dono ka temperature hame diya gaya hai, dono ka volume hame diya gaya hai, iska bhi iska bhi, isme aur isme dono mein pressure kya aayega? Starting mein 105 kilopascal, 105 kilopascal. फिर इसके बाद दोनों का टेम्परेचर मुझे दिया गया है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका वॉल्यूम वी, इसका वॉल्यूम वी. अब उसने बोला कि इसमें से एक चैम्बर को कंटिन्यूसली मेंटेन किया जाता है फाइनल स्टेट. अब वो इसमें कुछ चेंज करेगा, ये इनिशियल स्टेट थी, वो चेंज क्या है कि इस कॉम्बिनेशन के एक चैम्बर का टेम्परेचर वो चेंज कर देता है और कितना मेंटेन करता है, 400 केल्विन, और एक का टेम्परेचर कितना रहता है, 300 केल्विन. वॉल्यूम वही पहले वाला वी वी. बताना क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर इन द वेसल्स, इसका नया प्रेशर क्या होगा इस वाले में. तो इसका नाम दे देता हूं मैं P1 और इसको नाम दे देता हूं मैं P2. पहले प्रेशर क्या था, 105, इसका क्या था, 105. इसमें कुछ प्रेशर P1 होगा, इसमें प्रेशर P2 होगा. इसका टेम्परेचर 400 है, इसका टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम सेम, एयर इसके अंदर फिल्ड है और ये नैरो ट्यूब है, मतलब इसका वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. बस ये नैरो ट्यूब ओपन होने का मतलब क्या है, नैरो ट्यूब ओपन होने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में यहां इस सेगमेंट पे अगर ये ओपन है, सॉरी, इधर और इधर जो प्रेशर आएगा वो सेम आएगा इस स्टेट में, क्योंकि ये ओपन है. अगर ये ओपन है और ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है तो प्रेशर अलग अलग होने का मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम नहीं है. और मुझे इक्विलिब्रियम पे आंसर देना है कि जब वो मेंटेन करता है कि इधर 300 और इधर 400 और ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में, तो इसमें और इसमें प्रेशर कितना आएगा, वेसल्स में प्रेशर कितना होगा. तो पहली बात तो मुझे समझ में आती है कि इधर और उधर प्रेशर सेम होगा, अगर प्रेशर सेम नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी. तो कुल मिला के मैं एक बात तो ये बोल सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू P2, दोनों में प्रेशर सेम आएगा, बराबर मान लेता हूं पी फाइनल. अब पी फाइनल मानने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि ये अलग अलग ही मेरे को ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब यहां से यहां आना और यहां से यहां आना. इस वेसल से इस वेसल पे मैं चेंज कंसीडर करूंगा, इससे इस पे मैं चेंज कंसीडर करूंगा. ऐसे मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता हूं कि पहले टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, प्रेशर सेम है दोनों में, तो मैं ऐसे सोल्व इसको नहीं कर सकता हूं कि इनिशियल स्टेट कंप्लीट ये 2V वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर 300, वॉल्यूम 2V, प्रेशर 105 और फाइनल स्टेट ये. ये फाइनल स्टेट एक नहीं है क्योंकि इसमें अलग अलग टेम्परेचर है, तो मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन पे PV=nRT नहीं लगा सकता हूं. मैं क्या लगाऊंगा, इस चैम्बर पे लगाऊंगा और इस चैम्बर पे लगाऊंगा. इसको यहां से लेके यहां तक लेके आया, इसको यहां से लेके यहां तक लेके आया, इस ट्यूब से, इस नैरो ट्यूब से सिर्फ ये हुआ कि इनिशियली और फाइनली दोनों चैम्बर में प्रेशर सेम होगा. समझ में आई कहानी? तो इसको अब हम इधर सॉल्व करते हैं. आप दोनों चैम्बर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे. आइडियल गैस इक्वेशन मतलब यहां से यहां जाने के लिए P1 कितना है, 105, V1 V N मान लेता हूं इसमें नंबर ऑफ मोल, देखो सेम है यहां और यहां नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इसको मान लेता हूं मैं नंबर ऑफ मोल N0. तो इसमें भी कितना होगा N0, स्टेट वेरिएबल सेम है, 300V 105, 300V 105, तो यहां भी क्या आएगा N0, तो मैं N0 मान लेता हूं N0. और टेम्परेचर कितना है, 300. फर्स्ट इक्वेशन. अब यहां से यहां जाने के लिए अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो टेम्परेचर सेम, N क्या N सेम रहेगा, नहीं,
क्योंकि ये ओपन है, तो मुझे नहीं पता कि एन सेम रहेगा या नहीं रहेगा, समझ में ही बात। तो मैं लिख देता हूँ एन वन, यहाँ प्रेशर एन वन, नंबर ऑफ मोल एन वन मान लेता हूँ, और 300 टेम्परेचर इसका 300 है, प्रेशर मुझे इसमें नहीं पता, वो प्रेशर मैं मान लेता हूँ पी फाइनल, पी फाइनल मुझे वॉल्यूम पता है वी, इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब यहां से यहां आने के लिए, उस चैम्बर के लिए अगर मैं इक्वेशन यूज करता हूं तो P कितना आएगा 105, V कितना आएगा V, N नॉट R 300, मतलब उसके लिए इक्वेशन यही आएगी। तो नई इक्वेशन नहीं बन रही है तो मैं इसको हटा ही देता हूं, क्लियर, क्योंकि उस चैम्बर के लिए भी इक्वेशन सेम आएगी, तो नई इक्वेशन थोड़ी ना आएगी, पहली इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, मतलब इस वाले चैम्बर के लिए इक्वेशन क्या आएगी, इस वाले चैम्बर के लिए, इसमें प्रेशर आया P फाइनल, इसका वॉल्यूम V, और अब जो मोल आएंगे उसमें मान लेता हूं N2, और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन। थर्ड इक्वेशन, मेरे पास अननोन कितने हैं, मुझे बताना क्या है PF, फाइनल प्रेशर मेरे को बताना है, अननोन कितने हैं मेरे पास, P फाइनल किसके टर्म में आना चाहिए, किलो पास्कल के टर्म में, समझ में आएगा नहीं, यहां से मेरे पास अननोन जो है वो है V, R में जानता ही हूं, N नॉट, N1, N2। एक इक्वेशन और लिखी जा सकती है, वो इक्वेशन क्या है कि 2N नॉट बराबर N1 प्लस N2, इक्वेशन नंबर 4, समझे। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस पूरे अरेंजमेंट में और इस पूरे अरेंजमेंट में गैस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं गई है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल यहां 2N नॉट है और यहां N1 N2 है, तो N1 N2 बराबर आएगा 2N नॉट। तो अब देखो इक्वेशन, एक दो तीन चार, चार इक्वेशन है, अननोन कितने, एक दो तीन चार, तो चार इक्वेशन, चार अननोन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, क्लियर। एक दो तीन, यानी N नॉट, N1, N2, ये क्या हुआ, तीन अननोन, और एक P फाइनल चार अननोन, और एक V पांच अननोन। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, शायद डिवाइड करने की वजह से ये V कट जाए, अभी अननोन तो इसमें पांच आ रहे हैं और इक्वेशन मेरे पास चार हैं, तो मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ P फाइनल के लिए। तो P फाइनल के लिए यहां से देखो, हम इस इक्वेशन में N नॉट की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 105, मुझे लग रहा है कि V कट जाएगा, N नॉट R 300 बराबर, ये लिख सकता हूँ N नॉट की वैल्यू इंटू टू N1, N1 यहां से लिख लेते हैं, P फाइनल V अपॉन, बिल्कुल V कट जाएगा, तो इक्वेशन बड़े आसानी से सॉल्व की जा सकती है, N2 P फाइनल V अपॉन R 400। अब देखो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, यहां से क्या आया 105 यानी 210 V बाय 3 बराबर P फाइनल V बाय 3 प्लस P फाइनल V बाय 4, तो इस V से V से V, अननोन क्या बचा P फाइनल सिर्फ, क्वेश्चन सॉल्व, 4 3 तो इधर क्या आएगा 12 7 P फाइनल, इधर क्या बचा 210 बाय 3 7 P फाइनल कितना आया 12 किलो पास्कल। ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, जीरो बचेगा यहाँ तो जीरो भी आएगा 120 P फाइनल ही आएगा। आई बच्चों कहानी समझ में, किस तरीके से सॉल्व किया मैंने, P1 P2 पहले 105 किलो पास्कल था, अगर मैं गर्म करता हूं तो बढ़ेगा, देखो 120 किलो पास्कल आया, तो इसका मतलब सही आंसर आ रहा है, समझ में आई बात, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एग्जांपल ऑन बैरोमीटर, क्लियर, एग्जांपल ऑन बैरो मीटर, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट और मेंस में, ये बैरोमीटर होता क्या है ध्यान से समझेंगे आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है कि हम एक पॉट में मर्क्यूरी लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, क्लियर। इस अरेंजमेंट को इस प्रकार से बनाया जाता है, ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड। किस प्रकार से ये अरेंजमेंट मैंने बनाया कि टेस्ट ट्यूब खाली है, ये मर्क्यूरी से भरा हुआ एक पॉट है, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने कंप्लीटली इमर्स किया इस मर्क्यूरी में। अब इसका जो क्लोज्ड एंड है उस एंड को मैंने पकड़ के बाहर की ओर निकालना स्टार्ट कर दिया मर्क्यूरी से। समझे क्या बोला मैंने, पहले इस मर्क्यूरी को कंप्लीटली इमर्स किया मर्क्यूरी के अंदर, फिर इसके क्लोज्ड एंड को होल्ड करके ऊपर की ओर धीरे 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 मैंने बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि जब आप इसको ऊपर की ओर लेके आ रहे होंगे तो इसमें मर्क्यूरी भी आपके राइजिंग करने के साथ साथ ऊपर आएगी, और एक स्टेट आने के बाद मर्क्यूरी ऊपर राइज नहीं करेगी और यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और अब आप इसको जैसे कि ये एंड यहाँ तक सरफेस तक आप लेके आ चुके हैं, क्लियर। मतलब अब मर्क्यूरी का जो कॉलम है, जो मर्क्यूरी है, वो यहां से लेके इसके अंदर भी राइज कर चुकी है यहां तक। तो इस चीज को एफएम में फ्लूड मैकेनिक्स एक चैप्टर है जिसमें हम स्टैटिक फ्लूड को स्टडी करते हैं, उसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई भी फ्लूड रुका हुआ है, क्लियर, तो उसके सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। दोबारा फिर सुनना, अगर कोई भी फ्लूड रुका हुआ है, स्टेशनरी है, स्टैटिक फॉर्म में है, तो उसके एक लेवल पर लेवल कहां से मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल, समझे ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके किसी एक हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं, यानी यहां बेस से किसी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमेशा सेम होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा सेम होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये एफएम का एक पॉइंट है जो यहां रोल प्ले करता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो केटीजी में एफएम के आने वाले क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर दोगे, क्लियर। तो ये मैं बोल रहा हूं ये मर्करी है, ये पॉइंट ए बी सी बाय द प्रेशर एनालिसिस इन स्टैटिक फ्लूइड वी कैन से पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, दैट्स वाई वी कैन राइट एट ए द प्रेशर विल बी एटमोस्फेरिक प्रेशर, at C the pressure will be atmospheric pressure, it means PB is equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, and at point B the pressure will be due to this mercury column, clear, and the pressure due to any fluid column, मर्क्यूरी कॉलम, वाटर कॉलम, कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला दैट इज रो ऑफ दैट फ्लूइड, इट मे बी वाटर और एट जी इंटू जी इंटू द हाइट ऑफ द कॉलम, लेट्स एज्यूम दिस हाइट इज एच, दैट्स वाई नाउ वी कैन से दैट द प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर इन दिस रीजन इज पी ए टी एम is equal to rho g h, clear, what is rho, density of the fluid, g gravitational acceleration due to gravity, h height of the fluid column, clear, समझ में आया। ये जो fluid है, जो liquid है, ये liquid water भी हो सकता है और
एच जी भी हो सकता है, उसकी हाइट है। समझ में आती है बात? तो यहां से मैं बता सकता हूं कि बैरोमीटर किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करता है। हम यहां से डायरेक्ट बोल देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अब हाइट के टर्म में बता सकता हूं मैं। क्लियर? कि जैसे अगर यहां मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कमेंट करना है तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि बैरोमीटर लेके आते हैं यहां, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर मैं मर्क्यूरी लेता हूं फ्लूइड और इस टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी राइज करने दिया जाए तो 75 सेंटीमीटर तक राइज करेगा, ये 76 सेंटीमीटर तक राइज करेगा। क्लियर? तो मैं ये बोलूंगा कि यहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 75 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एच जी के इक्विवेलेंट है। अब इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? रोजी से मल्टीप्लाई करो तो पीएटीएम आ जाएगा। किस में? एसआई यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्लियर? समझ में आई कहानी? इसकी वैल्यू जो आती है वो 10^5 के अराउंड आएगी अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, यानी एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू, 1 एटमॉस्फेयर बराबर आता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहां सारी की सारी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे किसमें? एसआई यूनिट में, तो वो वैल्यू हमेशा 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आएगी अगर पीएटीएम 1 है। समझ में आई कहानी? एक्सपेरिमेंटली इस एच को यहां से इसमें पुट करेंगे, जी वैल्यू आपके पास होती है 9.8, रो एच जी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। क्लियर? ये सब कॉन्स्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं किस प्रकार से इस पॉइंट पर एग्जाम्पल आते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अ बैरोमीटर रीड 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक बैरोमीटर 75 सेंटीमीटर रीड करता है, मतलब जो मैंने अभी बोला था कि अगर यहां एक्सपेरिमेंट किया जाए बैरोमीटर से तो इस टेस्ट ट्यूब में जो मर्क्यूरी राइज करेगा वो 75 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार। इसने बोला अ बैरोमीटर रीड्स 75, यानी हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये दिया हुआ है मर्क्यूरी। अब इसके बाद व्हेन 2 cm³ ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस अबव द मर्क्यूरी लेवल, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस बिकम 50 cm³। दोबारा फिर बोलता हूं, व्हेन 2 cm³ ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस अबव द मर्क्यूरी लेवल, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस बिकम 50 cm³। उन्होंने ये बताया कि ये जो स्पेस है जिसमें अभी कोई प्रेशर नहीं है, ये वैक्यूम है, अगर इसमें इतना एयर, ये कौन है एयर, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2 cm³ और इसका प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इतना वॉल्यूम एयर अगर यहां इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये लेवल नीचे आ जाता है, ये उन्होंने बताया क्वेश्चन में। तो मैं इसकी फाइनल स्टेट का फिगर यहां बना देता हूं। समझे प्रोसेस क्या है? कि ये पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, एच की वैल्यू 75 सेंटीमीटर आई, फिर उन्होंने इस स्पेस में जो कि वैक्यूम होता है एयर का इतना वॉल्यूम इतने एटमॉस्फेयर पे फिल कर दिया, और अब क्या होता है क्वेश्चन के अनुसार मैं यहां डिपिक्ट कर देता हूं। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि अब यह लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि इस स्पेस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मैं फाइनल फिगर बना देता हूं यहां, क्या होता है ये एयर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो लेवल यहां तक था वो थोड़ा नीचे आ जाता है मर्क्यूरी लेवल, और अब ये जो स्पेस है ऊपर एयर अगर मैं इसमें फिल करूंगा
पहले यहां कुछ भी प्रेशर नहीं लग रहा था, यहां प्रेशर जीरो था इधर, क्योंकि ऊपर क्या था, वैक्यूम। यहां इनिशियली वैक्यूम था, लेकिन ये फिल किया गया इसमें, जिसकी वजह से अब ये फिगर यहां मैं लिखने जा रहा हूं, तो ये गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले ये लेवल यहां तक था, समझे ना, इसमें इस लेवल तक मर्क्यूरी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एयर फिल किया, अब यहां क्या है, एयर, और इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है इस स्पेस का जिसमें एयर है, इसका वॉल्यूम फाइनल 50 सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है। क्लियर? जब इस एयर का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब था, तब इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर था 1 एटीएम या 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तब इसका प्रेशर ये था। अब जब इस एयर को यहां डाल दिया गया है, तो इसका वॉल्यूम मुझे दिया गया है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या मैं अब यहां जो प्रेशर है उस पर कमेंट कर सकता हूं? क्योंकि देखो, यहां जो मुझे प्रेशर मिलेगा, अब प्रेशर तो आएगा, पहले प्रेशर ये जीरो था क्योंकि यहां वैक्यूम था, लेकिन अब एयर है तो डेफिनेटली यहां कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, तो मुझे वो प्रेशर कैलकुलेट करना यहां पड़ेगा। ये प्रेशर क्या आएगा, ये मुझे यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहां प्रेशर कितना है। ये लिख देता हूं यहां, प्रेशर ड्यू टू एयर, मान लेते हैं पी फाइनल है। अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो बात मैंने यहां बोली थी कि पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर क्या आएगा, 1 एटमॉस्फेयर, समझे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आता था, रो जी इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट कितनी थी, 75 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में ही रखता हूं क्योंकि मैं आंसर सेंटीमीटर में दे दूंगा। अब मैं यहां फिर से, क्योंकि ये फ्लूइड स्टैटिक है, तो फिर से यहां भी ये बात एग्जिस्ट करेगी। यहां इस बार मैं क्या लिखूंगा कि यहां जो प्रेशर है वो कितना है, पी एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक, क्लियर, ए और सी पर। तो बेटा पी एटमॉस्फेरिक जो बराबर आएगा वो पीबी के बराबर आना चाहिए, यानी पीबी, और पीबी है क्या, ड्यू टू दिस हाइट, ये जो हाइट है, इस हाइट को मान लेता हूं ये एक्स है, रो जी एक्स, पी एटीएम पीबी कितना है, रो जी एक्स इस स्टेट में, इस हाइट की वजह से, प्लस पी फाइनल किसकी वजह से, एयर की वजह से। आई कहानी समझ में, क्लियर? मुझे यह बताना है कि जो ये पहले हाइट थी, ये एच 75 थी सेंटीमीटर, ये डिक्रीमेंट कितना हुआ, ये क्वेश्चन है, ये डिक्रीमेंट मुझे बताना है कि ये एयर जब मैंने यहां फिल कर दिया तो ये कितना नीचे आया, ये डिक्रीमेंट कितना लेवल नीचे आया, ये मुझे बताना है। बड़े आसानी से कमेंट किया जा सकता है इस बात पे। देखो, क्या मैं पी फाइनल, ये जो पी फाइनल है, प्रेशर ड्यू टू एयर पी फाइनल, क्या इस पे कमेंट कर सकता हूं, इसको किसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकता हूं? देखो बच्चों, ये जो एयर सेगमेंट है वो यहां है, अगर इस एयर सेगमेंट के बारे में सोचा जाए, फॉर एयर इंट्रोड्यूस्ड अबव द मर्क्यूरी लेवल, अगर इसके बारे में मैं बोलता हूं तो मैं ये कहूंगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये प्रेशर टेम्परेचर सेम रहता है, इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर सेम रहता है, तो बॉयल्स लॉ एग्जिस्ट करेगा इस वॉल्यूम पर। हम बोलेंगे कि एयर के इस सेगमेंट का इनिशियल जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, पी वन इनिशियल वॉल्यूम का यह है, वी वन फाइनल वॉल्यूम, वी टू फाइनल प्रेशर, पी फाइनल। अब इनिशियल प्रेशर कितना दिया गया है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इस 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप 75 में लिख सकते हो, समझे क्या बोल रहा हूं मैं,
ये वन एटमोस्फेयर है और वन एटमोस्फेयर किस क्या होता है अगर एसआई में लिखोगे 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि आप नोटेशन में दर्शाना चाहते हो मर्क्यूरी की हाइट में, तो मैं उसको मर्क्यूरी की हाइट में लिख सकता हूं। कितना इनिशियल कितना था 75 इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम 2 × 10^-6। ये भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी कट जाएगा इधर, इधर भी 2 कितना है सेंटीमीटर में, तो आप ये भी मत लिखो क्योंकि मैं सेम यूनिट ले रहा हूं। इधर भी प्रेशर क्या लिख देता हूं, ये तो मुझे निकालना है। तो ये प्रेशर अब अगर मैंने 75 एचजी की हाइट के टर्म में लिखा है तो ये पीएफबी किस टर्म में आएगा, एचजी की हाइट के टर्म में आएगा। इसका मतलब यहां अब वी2 कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पी फाइनल जो मेरे पास आया वो कितना आएगा, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 25 × 75 25 × 200 2 × 2 तो पी फाइनल आ रहा 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी। इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि यहां इस एयर की प्रेजेंस ने 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी का इफेक्ट दिया हुआ है। समझ में क्या बोला मैंने, अब ये जो एयर है ना, ये एयर यहां इतना प्रेशर लगा रही है कि अगर एयर ना होता 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी होती तो वो जितना प्रेशर लगाती इतना प्रेशर ये एयर लगा रहा है। समझ में ही बात, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी इसके साथ तुलना करूं, मैंने बोला कि अगर ये एयर देखा जाए तो ये एयर कितना प्रेशर लगा रही है 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी, और तब मैं इसको क्या मान सकता हूं कि यहां एयर नहीं है, सिर्फ क्या है 3 सेंटीमीटर एयर ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइट है, ये हाइट ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, समझे। अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इस एयर को हटा के, इस यहां से एयर को हटा के वैक्यूम बनाना चाहता हूं, तो मुझे यहां कितनी हाइट ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि यहां प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर, ये इक्विलिब्रियम में रहे, क्लियर। कितनी हाइट अटैच करनी पड़ेगी 3 सेंटीमीटर, ये पता चलता है मुझे। इसका मतलब ये लेवल कितना नीचे आया, एयर आने पर ये लेवल कितना नीचे आया 3 सेंटीमीटर नीचे आया। कहानी क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो हाइट है, ये हाइट ये है 3 सेंटीमीटर, ये हाइट आती है 3 सेंटीमीटर की। मतलब अगर एयर कॉलम ना लिया जाए तो उसकी जगह हम बी पर सेम मुझे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिले तो 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी वहां ऐड करनी पड़ेगी, और फिर ये फिगर बन जाएगा। इसका मतलब ये लेवल यहां से यहां जाने में कितना नीचे है 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन जब आता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, ये क्या चीज है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि प्रेशर को 3 चीजों से दर्शाया जाता है, हाइट में भी दर्शा सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी दर्शा सकते हैं, और एटमॉस्फेयर में भी दर्शा सकते हैं। उनका इंटर रिलेशन आपको अच्छे से आता है। 180 mm को मर्करी की हाइट में लिखना चाहता हूं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, ये जो क्वेश्चन में दिया जाता है 75। ऐसे ही वाटर की हाइट में भी आप 1 एटमॉस्फेयर यानी 10^5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं अगर आपको ये कन्वर्जन की क्लैरिटी अच्छे से है, बड़े आसानी से, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। देखो ये क्वेश्चन कितना टिपिकल हो जाता है कि अगर मैं P1 की वैल्यू यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख देता 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, फिर मुझे एक बार यहां कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पी को, फिर दोबारा जो आंसर आएगा आंसर में कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में मुझे डिक्रीमेंट इन हाइट देना है। तो आप हाइट में सोचना स्टार्ट करो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लैरिटी आएगी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैरोमीटर पे ही एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अ बैरोमीटर ट्यूब इज 1 मीटर लॉन्ग, तो ट्यूब बना देते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अ बैरोमीटर ट्यूब, एक ट्यूब बना देता हूं, ये बैरोमीटर ट्यूब है, इसकी हाइट मुझे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर मेरे को दिया हुआ है,
1 meter long and 2 centimeter square in cross section. ये जो cross section area है small है, ये दिया हुआ 2 centimeter square. Mercury stands to a height of 75 centimeter in the tube. इसमें यहां तक मरकरी है और ये जो मरकरी की हाइट है ये हमें दिया गया है 75 सेंटीमीटर. ये 75 सेंटीमीटर दिया गया. When a small amount of oxygen is introduced in the space above the mercurial level, यहां कुछ नहीं है, समझे ना, इस वॉल्यूम में कुछ नहीं है, ये वैक्यूम है. हम ये बोल सकते हैं कि यहां जो प्रेशर आएगा वो इस हाइट की वजह से, रो जी एच जो आएगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेयर. मतलब बैरामीटर कुछ एक ऐसा यंत्र है जो एक ही चीज को दो तरीके से मेजर करता है. इस पॉइंट पर कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर. इस पॉइंट पर कौन प्रेशर लगा रहा है, ये हाइट. तो हम इस हाइट को इक्विवेलेंटली बोल सकते हैं किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. समझे, हम ये बोलेंगे कि 75 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो यहां प्रेशर देगी वही प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है. यही मैंने पीछे आपको समझाया. तो यहां इस स्पेस में वैक्यूम होता है. इस प्रोसीजर के तहत जो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि ट्यूब के क्लोज एंड को ऊपर करके होल्ड करके ऊपर राइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो लेवल यहां तक राइज करेगा. यहां कुछ नहीं होता. अब इस क्वेश्चन में उसने बोला कि इस स्पेस में एयर इंट्रोड्यूस करा दी जाती है. कितनी एयर इंट्रोड्यूस करा दी जाती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एयर इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये लेवल कितना नीचे चला जाता है. यानी फाइनल फिगर मुझे बताया हुआ है कि लेवल जो नीचे जाता है ट्यूब में, एक बार पढ़ लेते हैं. When a small amount of oxygen is introduced in the space above the mercury level, the level falls by 5 cm. Calculate the mass of oxygen introduced. इस क्वेश्चन का एकदम उल्टा क्वेश्चन है. यहां मुझे अमाउंट दिया गया था एयर का, पी और वी दिया गया था. अब मुझे क्वांटिटी बतानी है कि कितने एयर इंट्रोड्यूस करूं जिससे कि लेवल कितना चला जाए, 5 सेंटीमीटर नीचे चला जाए. और यहां उसने वो लेवल पूछा था कि कितना नीचे लेवल चला जाएगा अगर इतनी एयर में इंट्रोड्यूस करता हूं. मतलब इस क्वेश्चन का एकदम जस्ट उल्टा क्वेश्चन है. क्लियर, समझ में आई कहानी. ये मास मेरे को बताना है. मान लेते हैं डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की कैलकुलेशन करनी है. डब्ल्यू की कैलकुलेशन करनी है कि ये कितना है जिससे कि ये लेवल 5 सेंटीमीटर नीचे चला जाए. तो अब फिर से मैं इस ट्यूब के बारे में सोचता हूं उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले सोचा था, समझे ना. देखो क्या बोल रहा हूं मैं इस पूरा फिगर ना बना के ट्यूब के बारे में बात करता हूं. ट्यूब में पहले लेवल यहां तक था, लेकिन जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो लेवल कुछ नीचे चला जाता है और वो लेवल मुझे बोला हुआ है कि 5 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है. कितना चला जाता है, 5 सेंटीमीटर. यानी पहले यहां वैक्यूम था और अब यहां कंप्लीटली क्या है, एयर. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे वॉल्यूम में जो एयर है उस एयर ने, एयर इंट्रोड्यूस कराने के बाद इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो थोड़ी ना चेंज हुआ. इस पॉइंट पे प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर होता है और वो कांस्टेंट है. तो इस पॉइंट पर प्रेशर सेम रहे इसलिए लेवल नीचे आता है. क्योंकि आप अगर एयर यहां इंट्रोड्यूस कराओगे तो पहले यहां से तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा था क्योंकि वैक्यूम है. इनिशियल स्टेज में यहां क्या है, वैक्यूम. तो ये जो प्रेशर है ये जीरो प्रेशर है यहां जो लग रहा है. तो यहां प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इस हाइट की वजह से आता है, लिक्विड कॉलम की वजह से आता है. क्लियर, यहां प्रेशर. लेकिन इस स्टेट में जब यहां एयर आ जाएगा तो यहां भी प्रेशर आएगा और इस पॉइंट पर यानी यहां प्रेशर लिक्विड कॉलम की वजह से भी आएगा. तो लिक्विड कॉलम अपनी कुछ हाइट कम कर लेता है, समझे. अन्यथा अगर वो लिक्विड कॉलम अपनी हाइट ना कम करे तो यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ऐसा संभव नहीं है. ये एफएम की प्रॉपर्टी है कि स्टैटिक फ्लूड में एक लेवल पर प्रेशर
बराबर होता है, यहां प्रेशर सेम है तो यहां प्रेशर भी इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर होना जरूरी है। इसलिए जब यहां मैं एयर इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये लिक्विड कॉलम थोड़ा नीचे चला जाएगा। अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे गया तो एयर ना होने की स्थिति में यहां जो ये लेवल 5 सेंटीमीटर मर्करी, 5 सेंटीमीटर मर्करी की जो हाइट है, जो इफेक्ट डाल रही थी, जो प्रेशर दे रही थी, अब वही प्रेशर ये पूरा एयर कॉलम इस पॉइंट पर जनरेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं एट दिस स्टेट प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू एयर ऑन द टॉप ऑफ मर्करी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एचजी। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, मैं हाइट में ही बात करूंगा क्योंकि प्रेशर को हाइट में बात कर सकते हैं, समझे ना, प्रेशर को हाइट में दर्शाया जा सकता है, वही मैंने पीछे देखा। बस हम लिख देंगे किसकी हाइट है, वो मर्करी की हाइट। अगर उसको ऐसा ही यूनिट में आपको आंसर देना है तो रो इनटू जी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ऐसा यूनिट में आंसर मिल जाएगा। तो मुझे कुल पता चल चुका है कि अब इस एयर कॉलम के अंदर प्रेशर कितना है, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी के बराबर है। तो क्या अब मैं यहां कितने मोल हैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी हाइट कितनी है, ये 25 था, ये 5 है, तो ये हो जाएगी 30। टोटल हाइट कितनी है, 30। बेस एरिया कितना है, ए दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस और एयर कॉलम का मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम क्या आएगा, एयर कॉलम का वॉल्यूम, ये सिलेंड्रिकल शेप है, वो आएगा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना है, 2 × 10⁻⁴, हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 × 10⁻², ये आएगा मीटर क्यूब में, किसमें आए, मीटर क्यूब में, ऐसा ही यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम पी जानते हैं इस एयर कॉलम के लिए, वी जानते हैं, टी जानते हैं, क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर बोला हुआ है, तो क्या मैं एन कमेंट नहीं कर सकता हूं कि एन कितना आएगा। देखो उन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस्ड रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू होता है एनआरटी फॉर एयर कॉलम। एयर कॉलम के लिए प्रेशर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻²। रो डेंसिटी ऑफ मर्करी वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, क्लियर। पी ये पी आया, रो जी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, दिया हुआ है रो जी एच, ये आया पी इंटू वी, वी कितना आएगा ये, और ये कितना है 6 × 10⁻⁵, ये भी मैंने ऐसे ही में रखा, अपॉन आर 8.314, टी रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, दिया हुआ है एन नंबर ऑफ मोल आ गया, टी बराबर है 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर बोला है उसने 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ मोल पता चल चुका है। अब नंबर ऑफ मोल यदि मेरे सामने है तो क्या मैं वेट नहीं बता सकता, मास कितना आएगा, मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कैसे, एन इंटू मोलर मास, ये कौन है, ये ऑक्सीजन है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये ऑक्सीजन है O2, तो
एन कितना होता है, ये एम कितना होता है, 32 आंसर। क्लियर? इस प्रकार से बैरामीटर के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर? नाउ